इंसान को ऐसा लगता है आंखें बंद। अरे रोको, 100 बार कर चुके हैं, रोको रोको। अच्छा जीत गए अब रुको। अरे डैडी मम्मी से शिकायत कर दूंगा। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। पार्किंग में खैर जितनी भी बाइकें हैं सारी मेरी हैं। ड्यूक हो गई, ये बूसा हो गई और ये पल्सर हो गई, और वो बहुत स्पेशल बाइक है। तो ये देखो, मेरे डैडी ने सबसे पहले ये ली थी और मेरे को भी यही मिली थी कॉलेज में, मैं इसी में जाता था। ये देखो मैंने फुल मॉडिफाई करा रखी है, मॉन्स्टर एनर्जी। एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था बट अब नहीं हूँ। मैंने और मेरे डैडी ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी, और डैडी जब आए थे दिल्ली में तो पार्क में सोते थे लिटरली, बट उन्होंने इतनी मेहनत करी, मेरे को इतना काबिल बनाया और मैंने भी भूसा ली। तो आज वो दिन है, वो पे बैक करने का दिन है, और वो खुशी उनके चेहरे पे देखना चाहता हूँ जब वो एक सुपर बाइक भगाएंगे। सबसे पहले इसके कवर उतारूँ, तो मैं कवर में इसलिए खड़ी करता हूँ ताकि बाइक गंदी ना हो। ये देखो अभी मैं आ गया हूँ आकाश के घर। कैसन बा, मजा मा? ये भाई लोगों का एकदम टेंशन फ्री है। तुम्हारी जिंदगी सबसे बेस्ट है भाई, एक हमारी है साला, जितना पैसा उतना दुखी आदमी नहीं। तो अभी एक माउंट यहाँ लगा रहा हूँ। आकाश आज डैडी को ऐसे डराना है ना, पहले मैं उनको भगाऊंगा 200 पे, उनका रिएक्शन देखना बस। तो अभी पेट्रोल वाले भैया तो है ही नहीं है, मैंने खुद ही निकाली। आकाश मेरी गन ये नहीं चलाएगा, पेट्रोल आगे आग लग जाएगी है, जैसे हीटर होके लगती है। तो भैया टैंक फुल कर दो। तो अभी इसमें 500 रुपये का पेट्रोल पहले से था और 1000 रुपये का मैंने अभी डलवा दिया है, तो इसमें करीब मान के चलो 1400 रुपये के आसपास पेट्रोल आ जाता है कुल मिला के। देखिए कि आज कितनी टंकी खाली होती है मेरी, मतलब 500 का पेट्रोल तो जाते ही जाते, एक बार जब भी मैंने भूसा निकाली तो। अभी मैं जा रहा था रास्ते, ओ ओ ओ भाई एक्सीडेंट हो रखा है। नहीं एक्सीडेंट नहीं है भाई, यहाँ से अभी कोई कूद गया, किसी ने इशारा मारा कि कोई कूद गया पानी में। आकाश पता है क्या है, कोई डूब गया है मेरे ख्याल से, लग रहा है। कोई मशीन आ रखी है देखो कितनी, ये निकालने के लिए कोई आदमी नीचे डूब, लोग और जाम लगाएंगे। हाँ हाँ पूरी भीड़ भीड़ होगी है, मैं दुआ करूंगा वो बंदा बच जाए। तो अभी मैं आ गया हूँ डैडी के ऑफिस वाला केविन, डैडी का और डैडी एज यूजुअल बैठे होंगे। आकाश पहले आ गया था। ओ क्या हो रहा है, क्या हाल है, आराम भी कर लिया करो। मतलब वेल लाऊं मैं तो, जैसे आपने पिछले ब्लॉग में बोला था मैं 300 टच करूंगा, तो आज लाया हूं हायाबुसा, क्या बोलते हो जाए 300 प्लस, ठीक है 300 प्लस। ओके हल्के, कभी 100 से ऊपर चलाई है जिंदगी में, सिर्फ ऊपर ही चलाई। भाई तो पहला सीन करेंगे हम कि पहले मैं भगाऊंगा, ठीक है डैडी को बैठा के, फिर डैडी भगाएंगे, देखते हैं कौन पहले डरता है। ठीक है लग गई सर, डरता है हाँ। डराता मैं लोगों को यार। अच्छा ये क्या पहना हुआ है आपने, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डांगरी एंड वेरी मच कंफर्टेबल बिकॉज़ दिस इज अ प्रोफेशन। अच्छा एंड अ पर्सन हु इज नॉट कंफर्टेबल इन द यू नो यूनिफॉर्म देन ही शुड नॉट बी अ परफेक्ट इंजीनियर। चलो अरे डांगरी देखना यार, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल। अच्छा हाँ सारी डांगरी में। The person who is really hard working is wearing the comfortable। क्या बात है। तो चलो भाई हम भी डांगरी पहने अपनी और चलो निकलो। तो डैडी मोस्टली अपने कपड़े, कुछ कपड़े यहाँ रखते हैं कबर्ड में, तो पूरा स्टोर रूम सा बना रखा है, काफी सारे हैं, कलेक्शन बना रखी है यहाँ भी। वाह तो मतलब यही चेंज कर लेते होगे? नहीं चेंज तो नहीं, मतलब रखते तो यही है। तो मैं रात को चुपचाप डैडी की गाड़ी लेके चले आता हूँ, तो चलान आया है, दिखाना चलान, चलान आते वो भी 1000-1000 रुपए के। कितने चलान हो गए होंगे अब तक आपके? 12 और सारे 12 के 12 मेरे, और उसमें से 5 एक ही सिग्नल में, मूलचंद वाले सिग्नल। अच्छा मूलचंद वाले पे वही सिग्नल है वहाँ पे, वो लाइन क्रॉसिंग का। तो ये देखो ये सारे चलानों की लिस्ट है, ये सारे चलान मैंने करवाए हैं, कोई ना भरूंगा मैं नहीं लेके। तो यहाँ पे टीवी में है, यहाँ पे काफी अवार्ड्स हैं। ये नल का भी लगा रखा आपने, ये किस लिए लगा रखा है? ये नल ये है जो दो बियर मिक्स करनी हो ना, हाँ सो वी कैन मिक्स टू बियर्स, सो दिस इज सैंपल।
और ये टीवी नहीं है, इट्स नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, हम चैनल चेक करते हैं, ठीक है ना? किसके YouTube चैनल? चैनल के होटल में किसी गेस्ट को कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, तो कंप्लेंट यहाँ लिखी आ जाती है, हमें पता लग जाता कोई चैनल बंद तो नहीं होगा। अच्छा, तो बाकी स्कॉर्पियो पे बैठे हुए हैं, ये हायाबुसा पे हैं, दिस इज फ्रॉम हॉलिडे, ओके, एंड वो ऊपर वाला दिस इज क्रिएटिविटी। अच्छा, ये ये योर टाइम चिलर है हमारे पास। अच्छा अच्छा, उसमें कंप्लीट टीम इज देयर। यहां पे ब्रीफिंग होती है, ये है टोरे, कितना पैसा कमाया होटल ने, एक कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट में है यूएल, लॉस में है, एंड दिस इज फॉर यू ओनली, हाउ मच रेवेन्यू वी आर मेकिंग एंड हाउ मच एक्सपेंस वी आर मेकिंग। तो अभी क्या होटल प्रॉफिट में है लॉस में? अभी तो लॉस में होगा। क्यों होगा लॉस में? क्यों, अभी कोई आ ही नहीं रहा गेस्ट, तो सवाल इट्स अ सवाल होटल। चलो बहुत बढ़िया, से समथिंग व्हेनेवर यू आर हैविंग अ मीटिंग्स यू कैन पुट इट लाइक दैट, इट्स अ पेन स्टैंड। अच्छा, वाओ, ओके, एंड दिस इज अ मीटिंग डिवाइस, सो नो नीड टू गो एनीवेयर। अच्छा, के कोई मेजरमेंट करनी है? मेजरमेंट है, ओके, ठीक है। हां, इट्स अ टच, इफ यू वांट टू टच इट लाइक दैट। अच्छा अच्छा, या इट्स अमेजिंग वन, कितने सालाना है भाई। दिस इज अ स्पेशल टूल, सो यू कैन ओपन एनी मशीन एनीवेयर, काफी बड़ा है। मैंने पहले ही वीडियो बनाई है क्राउन प्लाजा में, मैं हमेशा जब मैं बीटेक कर रहा था तो आता रहता था यहाँ पे डैडी से मिलने, कुछ खाने पीने। ये अभी निकाल रहे हैं, आपसे नहीं चला हुआ होगा, आपकी शक्ल देख ही लग रहा है। यहाँ से एक्सप्रेस वे तक आप लेके चलो, ठीक है, थोड़ा बॉडी गर्म करो, समझो बाइक को, फिर मैं जाते वक्त मैं जेवर तक मैं ले जाऊँगा, फिर आते वक्त आपकी बारी, पहले मैं चलाऊंगा भाई। चलो ठीक है, तो लो जैकेट पहन लो आप, उड़ो ना जाओ। Guess who's back in the lab again? Got the black and white crew, see me back in there. Go on and tell your friends, you can see me when. It's nothing new to me, it's over again. As soon as I start to stop it, every single track I top it. Everything I'm living, everybody wanna rap about it. Please tell me what you doing this for. You got a little club, but you abusing this hoe. Yo, here I go, whoa, here I go. Drop the cup. तभी सीन ऐसा है, तो यहाँ से एक्सप्रेसवे चालू है जिस पॉइंट से मैं खड़ा हूँ, तो पहले मैं हायाबुसा चलाऊंगा, डैडी पीछे बैठेंगे, और हेलमेट मैं हटा रहा हूँ इनके मुंह से ताकि इनका फेस एक्सप्रेशन समझ आए, ठीक है, इस गोप्रो में तो एक्सप्रेशन देखते क्या होते हैं, फिर बाद में जेवर से डैडी चलाएंगे और मैं पीछे बैठूंगा, ठीक है, हाई स्पीड देखते डरते हो कि नहीं। देयर इज अ वन डिस्क्लेमर, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, सो वी हैव टू कीप इन माइंड, वी शुड नॉट क्रॉस द लिमिट। मैं नहीं बैठूंगा भाई पीछे, आई एम सॉरी। आओ आओ बैठो बैठो। अरे मैं पीछे उठ जाऊंगा यार। अरे कुछ नहीं, पकड़ के बैठना, मैं चला लूँ खुद ही, उधर से बना दूँ। नहीं आते वक्त आप चलाना, आओ बैठो, तो मैं गाड़ी में चला। अरे आओ आओ बैठो यार, डर रहे हो आप, मास्क हटाओ मास्क। भाई मैं बैठूंगा कैसे, मुझे डर लगता है यार। अरे कुछ ना, बैठो, मजे ले रहे हैं। नहीं मजे नहीं, आओ बैठो, को ना पकड़ के बैठना ऐसे, आओ हाथ दो हाथ दो, हाँ ऐसे, हाँ या कमर पे टाइट से, ठीक है, मेरे ऊपर बैठ जाना बस। तो डैडी पीछे से कह रहे हैं कि तुझे डराऊंगा तो मैं, जब मैं चलाऊंगा। अरे मैंने कहा छोड़ो डैडी, आप बूढ़े हो गए, अब बूढ़े बाप हो चुके हो। तो ये गई हमारी स्पीड 50, डैडी पीछे से बोल रहे हैं बाप बाप होता है। अरे वो तो पता है, बट बाप भी तो कभी बूढ़ा होता है भाई, कभी 50 पे 60 70 80 90 100 ये अभी बाइक अभी 50 100 डैडी टाइट पकड़ते जा रहे हैं। शक्ल देखो डैडी की कैसी आ रही है, काश मैं भी इस टाइम शक्ल देख पाता डैडी की। मैंने डैडी को हेलमेट जानबूझ के नहीं लगाया यार, माफ करना, क्योंकि उनकी आंखों में मैं खौफ देखना चाहता था बाइक का। तो डैडी ने मुझे बहुत ज्यादा टाइट पकड़ रखा। अरे डैडी पेट छोड़, जाना ज्यादा टाइट मत पकड़ो, हम तड़िया बाहर आ जाएंगी मेरी 150 की स्पीड पे। अरे बाप रे, अब स्लो करता हूँ, डैडी की हालत टाइट लग रही है, मेरे को लग रहा गाली ना पड़ जाए, अब गाली पड़ेगी मेरे को। तो हेलमेट बना, हेलमेट हेलमेट ऐसा लगता है आंखें बंद,
टेढ़ी चलाएंगे हेलमेट लगा के, जैसे मैंने भगाई थी आपको भगानी है, ठीक है? चलो तो अब मैं पीछे जाके बैठता हूँ, अब मेरी बारी। मेरे को भाई पीछे बहुत डर लगता है डैडी, मेरे को तो भरोसा ही नहीं है कि चला लेंगे अभी तक। इनफैक्ट चला लोगे? चलो ठीक है, ठीक है चलो फिर। तो अब डैडी ने थोड़ा स्पीड देना चालू करी है। डैडी फिर कह रहे हल्के में ले रहा है क्या? हाँ बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा हूँ, उड़ा मत देना मेरे को। तो अब डैडी ने रेस पकड़ी है थोड़ी। ओके 40 नॉर्मल, 60 ओके नॉर्मल, 80 नॉर्मल, 70। डैडी स्लो कर दो, बस डर लग रहा है मेरे को, ज़्यादा आपके बस की लग नहीं रही मेरे को। स्लो कर लो, स्लो 80, अरे स्लो कर लो, अरे 90 तक पहुंचा दी, अरे स्लो कर लो भाई। हाँ डर लग रहा है, डर लग रहा है, हार गया छोड़ो, रोक लो डैडी साइड, रोक लो बस, अब ज़्यादा नहीं। अरे तेज क्यों भगा जा रहे हो, अरे और तेज, अरे रोको, अरे डैडी 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 रोको, 100 बार कर चुके हैं, रोको रोको। अच्छा जीत गए आप, रुको, अरे डैडी मम्मी से शिकायत कर दूंगा। सर घूम गया मेरा तो यार, चांद तारे दिख गए मेरे को। मुझे लगा कि डैडी मैक्सिमम 100 तक जाएंगे, बढ़िया तो अनर्थी कर दिया डैडी ने, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कसम से मान गए। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ ओ भाई मेरे तो पसीने छुड़ा दिए डैडी ने, 100 तक भगा भी नहीं, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी आपसे 100 तक भगा लोगे। अरे तू डर रहा था इसलिए वजह से रोक लिया, ठीक है। सही है, कैसा लगा बाइक चला के वैसे? इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा बाइक के बारे में कुछ बोलना चाहोगे, मतलब कैसी लगी चलाने में, क्या है? एक्चुअली दिस इज फॉर यंग जनरेशन, नॉट लाइक फॉर मी। अच्छा एंड आई विल अगेन से कि प्लीज डोंट डू द एक्सपेरिमेंट लाइक दैट, बिकॉज स्पीड नेवर यू नो सेफ। ओके it's you know amazing experience, but I will request all of the juniors, the person who is coming into this particular picture, ke please apne maa baap ki khatir bhagaye na, theek hai 60-70 par। aur kaisi hai bike? ek cheez mujhe bilkul pasand nahi aayi, bahut bhari hai, haathon mein dard ho gaya। okay bye, fir ab yahan se aa rahe ho, bye। ha okay bye। to management saath leke hi chal rahe hai daddy, to ab yahan se hum nikalte hain ghar aur vlog aage continue karte hain। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो ये रहा सामान, ये जो बैग है ये मेरे हायाबूसा के पीछे लगे हैं। जैसे मैंने आपको बोला मैं राइड कर रहा हूँ अपनी हायाबूसा पे बहुत लंबी, तो ये बैग यहाँ रखता हूँ। तो एक छोटी सी झलक देता हूँ, ये जैकेट है बहुत यूनिक सी, मतलब मेरे लिए तो ये यूनिक है, जो राइड करते हैं उनके लिए तो यूज़ होगा। तो इसका क्या करना है, ये बड़ी यूनिक चीज़ है, मैं किसी से लाया हूँ, मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा आपको। जैकेट के अंदर डालनी है, ठीक है, और ये बैग को अंदर टांगना है, ठीक है, जैकेट के अंदर। और बैग में यहाँ इसमें पानी भर जाएगा चिल्ड, और इसमें 2 या 2.5 लीटर पानी आता है, और इसको अंदर रखना है जैकेट के, जब भी प्यास लगे बाइक रोकने की जरूरत ही नहीं, मुंह में लगाया पिया और चलते रहे, तो डिहाइड्रेशन से बचोगे। तो ऐसे बहुत सारे सामान है, ये शूज है, ये सारा सामान मेरा नहीं है, मैं किसी से लेके आया हूँ, क्योंकि अर्जेंट बेसिस में मेरे को कहीं मिल नहीं रहा था, लॉकडाउन के चक्कर में साइजेस भी खत्म है। तो ये सब नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि मैं राइड पे किसके साथ जा रहा हूँ, क्या क्या लेके जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये लाल कलर का बटन दबा के, और सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटा दबा देना, उससे क्या होगा, फिर नोटिफिकेशन आएगी जब भी मैं राइड की वीडियोस डालूंगा हायाबूसा पे अपनी। और हाँ जब भी मैं राइड पे शायद कल सुबह निकल जाऊंगा, तो सबसे ज्यादा अपडेट मैं अपने इंस्टाग्राम पे रहूंगा, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर, पल पल की सेकंड की आपको खबर मिलती रहेगी। और शायद जहां जहां से मैं गुजरू तो वहां से मैं मिलते हुए मिलते जाऊं आप लोगों से, तो फटाफट मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। पीस आउट, लव यू।